तो हे गाइस वेलकम बैक अगेन। तो गेट कोड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जितने भी हमने लास्ट वीडियो में टाइम की थ्योरी कंप्लीट की थी, सारे के सारे मेथड पढ़ लिए थे और आज की वीडियो में हम उनकी लाइव प्रैक्टिकल करने वाले हैं कोडिंग के साथ। तो गाइस आज हम इतने मेथड को ध्यान से और अच्छे अच्छे मेथड को जानेंगे किस तरह हम क्या करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम मॉड्यूल और करंट टाइम जो आपका प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करें, उसके बाद स्लीप मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रीन ग्लोबल या फिर आप बोल सकते हो टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोकल टाइम पढ़ेंगे। और जो जितने भी बच चुके हैं जो हमारी पहली वीडियो थी इंट्रो वीडियो, उसमें जितने भी मेथड बताए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। अब हम क्या करते हैं, अपने टाइम को इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम को इम्पोर्ट करने के लिए आपको इम्पोर्ट टाइम लिखना होगा। इम्पोर्ट टाइम लिखने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है क्या, बस आपका टाइम इम्पोर्ट हो चुका है। अब आपको करंट टाइम गेट करना है। आपको बताना है कि आपका इपोज, सबसे पहले हम बात करते हैं इपोज को कैसे गेट करें। हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले इपोज की बात की थी, इपोज होता क्या है। तो सबसे पहले हम इपोज को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, तो मैं एक वेरिएबल नाम बनाता हूँ इपोज नाम का। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इपोज नाम के वेरिएबल में मैं लिखता हूँ टाइम डॉट जी एम टाइम और जीरो। अब मैं प्रिंट करवाऊँगा इपोज को, तो ये मुझे बता देगा जो हमारा विंडोज है या फिर जो हमारा ये सिस्टम है जिस सिस्टम पर मैं अभी इसे रन कर रहा हूँ या फिर अपने इस टाइम मॉड्यूल को मैंने रन किया है, तो उस सिस्टम का इपोज यानी स्टार्टिंग टाइम क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर इपोज लिखा, सेव किया और मैंने यहाँ पर रन किया पाइथन का और जीरो सेकंड डाला, यानी इपोज से जीरो सेकंड दूर आपकी वैल्यू क्या होगी। इपोज क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है टाइम का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो गाइस यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर टाइम की एक क्लास बन चुके हैं। इस स्ट्रक्चर और टाइम की क्लास के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे, जिसमें इतनी सारी वैल्यू होती है, इन वैल्यू को टूपल रिटर्न करता है जिसकी मदद से हम इन वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो टूपल है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सेम है 1970 1111 1970। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने सारे मेथड के बारे में एक के बारे में एक। तो अगर आपको लोकल टाइम चाहिए, ओके गाइस, अगर आपको क्या चाहिए, करंट टाइम चाहिए, आपका इपोज से करंट टाइम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इपोज से करंट टाइम के लिए आपको एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट, आपको यहाँ पर लिखना है टाइम मॉड्यूल डॉट करके, आपको यहाँ पर लिखना है टाइम, बस आपको आपका करंट टाइम इन सेकेंड मिल जाएगा। अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसे आप प्रिंट करवा सकते हो। करंट को मैं प्रिंट करवाऊंगा और रन करूँगा अपनी पाइथन की फाइल को, तो यहाँ पर आप आउटपुट देखिए आपका सेकेंड्स में टाइम आ चुका है। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो अब बदल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 78 73 और 5 सेकंड बाद मैंने फिर से इसे रीरन किया तो इसका 78 हो गया। इस तरह हम करंट टाइम को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तो ये सेकंड में था, अब हम इसे डे मंथ ईयर में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसका यूज हम करते हैं सी टाइम का मदद से। तो सबसे पहले आपका करंट आ गया, अब मैं यहाँ पर करूँगा प्रॉपर वे, प्रॉपर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मुझे लिखना है टाइम डॉट सी टाइम। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सी टाइम जो मेथड होता है, इसके अंदर जो हम वैल्यू डालते हैं वो सेकेंड्स में होनी चाहिए। अगर आप करंट टाइम देखना चाहते हो तो आप करंट टाइम इस टाइम से वैल्यू लो और इसे पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट, इसमें जो सेकंड आएंगी वो इसमें रन हो जाएगी। अब मैं प्रॉपर को यहाँ पर प्रिंट करवाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर को प्रिंट करवाऊंगा, ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रॉपर वे में टाइम मिल गया, आपको आज की जो जानकारी वो मिल गई। आज संडे है, मई है 29 और ये आपका टाइम है और ये आपका ईयर है। ओके गाइस, आई होप टाइम और सी टाइम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और हम सी टाइम का यूज़ करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस में अपने आने वाले में। तो अब हम बात करते हैं स्लीप मेथड की। स्लीप मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में रन करवाना है या फिर अपने किसी भी प्रोग्राम में डीले करवाना है, तो आप स्लीप मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो, प्रॉपर ही मैं प्रिंट करवाऊँगा। अब मैं नॉर्मली प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए तुरंत आपका प्रॉपर आ चुका है, लेकिन अगर मुझे इसे डीले करवाना हो तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा टाइम डॉट, हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे, स्लीप करके हम 5 लिख देंगे। तो अब गाइस जो अभी प्रॉपर तुरंत आपका रन हो चुका था, अब देखिए 5 सेकंड बाद रन होगा। एंटर में प्रेस कर चुका हूँ तो अभी भी नहीं हुआ और 5 सेकंड जैसे पूरे हो जाएंगे गाइस, ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर अब प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ किस तरह से स्लीप मेथड का यूज़ हो चुका है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल टाइम की या फिर लोकल टाइम की। लोकल टाइम मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं या फिर सिस्टम आपका जहाँ का है वहाँ पर आपका लोकल टाइम क्या होगा, और जो ये ग्रीनविच टाइम है या फिर ग्लोबल टाइम आप इसे बोल सकते हो वो क्या है। तो इन्हें प्रिंट करवाने के लिए आपको लिखना होगा सिंपल, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल टाइम का, उसके अंदर लिखेंगे टाइम डॉट जी एम टाइम
इसके अंदर हम सेकेंड्स डालते हैं, मतलब इपोच से अब तक का क्या सेकेंड है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो करंट टाइम को यानी करंट सेकेंड्स को ही अपना इनपुट ले लेता है, जिसके जरिए क्या करेगा, ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा टाइम की क्लास का, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वो एक टूपल होगी, उससे हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्लोबल टाइम को प्रिंट करवाता हूँ तो हमें एक टूपल मिलेगा गाइस। ये देखिए हमें एक टूपल मिल चुका है जिसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करवाना है ईयर, तो ईयर इसकी इंडेक्सिंग हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इंडेक्सिंग डालने के लिए मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और जीरो लिखना है, तो आपका ईयर यहाँ पर केवल ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2022 ईयर प्रिंट हो चुका है। हम इस पर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर आई इन ग्लोबल टाइम। ओके अब मैं प्रिंट करवा दूंगा आई को, तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, आपका लूप चलेगा और ये देखिए गाइस आपके सारे डेटा यहाँ पर लूप के जरिए प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पर आपका फाइव, यहाँ पर मंथ प्रिंट हो गया, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, ये दिन का, साल का कौन सा दिन है यानी 149वां दिन है आपका, सब प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर आप इस पर लूप चला सकते हो क्योंकि ये टूपल के अंदर वैल्यू आती है। अब हम बात करते हैं लोकल टाइम के बारे में और इनका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं करता हूँ लोकल टाइम, तो टाइम डॉट लोकल टाइम, दोनों सेम वैल्यूज रिटर्न करते हैं, मतलब दोनों सेम चीज़ ही रिटर्न करते हैं, लेकिन आपका जो टाइम होता है वो अलग होता है। जैसे इंडिया में और अमेरिका में टाइम अलग अलग है, उसी को ग्लोबल जो टाइम होता है, आपकी ग्रीनविच जो टाइम होता है, जीएम टाइम, वो रिटर्न करता है। लोकल टाइम आपका जो आपकी करंट आपकी जो पोजीशन है ग्लोब में उसके अकॉर्डिंग टाइम को शो करता है। तो अब मैं प्रिंट करूँगा लोकल टाइम को, आप देख सकते हो सेम चीज़ आएगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा जीएम टाइम में और लोकल टाइम में। मैंने लूप नहीं चला, ओके मैंने इसे सेव नहीं किया गाइस। अब मैं सेव करके इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ आ गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा हावर, मिनट, सेकेंड्स में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं दोनों को रन करूँगा, आपको डिफरेंस को क्लियर करवाने के लिए मैं दोनों को रन करूँगा। ऊपर होगा लोकल टाइम, नीचे होगा ग्लोबल टाइम। ओके सेव करके रन करते हैं। ओके यहाँ पर देखिए ये है आपका लोकल टाइम जिसमें ईयर सेम है, मंथ सेम है, डे सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आवर हो रहा है 12 लेकिन लोकल टाइम में आपका आवर 12 हो रहा है। और मैं अपनी घड़ी में दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी 12 हो रहा है, मिनट 57 और यहाँ पर भी 57, लेकिन जो ग्लोबल टाइम है वहाँ पर अभी 7 बज रहे हैं और 27 मिनट हो रही है। आई होप आप इनके बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे हम फंक्शंस के बीच में कितना टाइम लगता है उसे कैलकुलेट करते हैं, और जितने भी बाकी के पैरामीटर या फिर ऑप्शंस बच गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।